हरिद्वार में हुए महाकुंभ 2021 मेले में कोविड टेस्टिंग के फर्जीवाड़े की जांच अंतिम चरण में है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई हजार लोगों के सत्यापन में अनियमितताएं मिली हैं। प्रशासन की ओर से जांच रिपोर्ट जल्द ही शासन को सौंप दी जाएगी। आपको बता दें, टेस्टिंग जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जांच बैठा दी, जिसमें मुख्य रूप से विकास अधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में जांच कमेटी फर्जीवाड़े की जांच कर रही है, जिसमें कई नए पहलू शामिल होने से जांच की समय अवधि और बढ़ा दी गई है। पहले कमेटी को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन जांच में नए पहलू शामिल होने की वजह से अवधि बढ़ा दी गई। दो लैब और सर्विस प्रदाता फर्म के खिलाफ शहर कोतवाली में सीएमओ हरिद्वार शंभुनाथ झा के तहरीर के आधार पर FIR भी दर्ज की गई थी। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि जांच रिपोर्ट अब अंतिम चरण में चल रही है। वहीं बात अगर इंक्वायरी की करें और मेजर पोर्शन की जाए, तो मेजर पार्ट इस जांच का कंप्लीट कर लिया गया है और जल्द ही जांच सबमिट भी कर दी जाएगी। बिल्कुल, इसमें जो जांच का जो प्रक्रिया है उसमें बिल्कुल 1% मैं धीमी नहीं मानूंगा, क्योंकि जो है उसमें जितना मुद्दे निकलता है इंक्वायरी करते वक्त, जो है जितना जो इश्यूज निकलता है उसी में जो है आगे आगे जो है वो ब्रांच आउट करके जो है अन्य कई सारा मुद्दा आ रहा है। एक्चुअली हम बहुत सिंपली अगर सुपरफिशियली करना है तो बहुत जल्दी पहले भी कर सकते थे, मगर हम गहरे से ध्यान से जो है उसका इंक्वायरी कर रहे हैं। बट इसमें जो है जो वॉल्यूम है, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो केसेस था, जो एक एक करके जो वेरिफिकेशन करने वाला जो प्रक्रिया है, केवल उसमें जो है टाइम लग रहा है, क्योंकि वो जो है अगर हम एक दिन में जो है अगर कंट्रोल रूम में लगभग 2000 से 2500 कॉल्स जो है अगर कर पा रहे हैं, वो भी जो है एक हमारा जो सीमा है उससे ज़्यादा ही हम ट्राई कर रहे हैं। 2000 कॉल्स जो है एक दिन में अगर कर रहे हैं तो वी आर डूइंग रीजनेबली गुड जॉब। बट वही बात है कि उसमें जो इंक्वायरी वाला विषय है वो मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया, केवल ये जो स्केल है इसमें कुछ बचा हुआ है, उसको बहुत जल्दी इस हफ्ते कोशिश करेंगे पूर्ण करके रिपोर्ट दे देंगे।